आज जिसमें हम पहुंचे हुए हैं सूरजकुंड मेले में यानी फरीदाबाद। और सूरजकुंड मेले में किस तरह से आप आ सकते हैं, आने के बाद यहां पर अगर आपको रास्तों की थोड़ी सी एक अनसुलझी हुई पहली सी आपको रास्ते लग रहे हैं तो आप सीधे यहां मैप का रुख कर सकते हैं। और आपके साथ मैं हूं किरण, हम आपको दिखाएंगे पूरा ये सूरजकुंड मेला कि सूरजकुंड मेले में क्या खास है, क्या लोकप्रिय है, कहाँ की जो छटा है वो बिखरी हुई है, क्या तस्वीरें नजर आ रही है, वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले रुख हम यहाँ पर उस मैप का कर लेते हैं जो सूरजकुंड मेले के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि लोग जब पहुँचे तो उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर कोई आपको रास्ता नहीं बता पा रहा है, किसी स्टॉल पे जाने में आपको दिक्कत अगर आ रही है तो आप इस मैप का सहारा ले सकते हैं। आपको बता दें कि हम गेट नंबर 1 के पास हैं यहाँ पर, और ये गेट नंबर 1 से जैसे ही आप सीधे चलेंगे आते जाएंगे तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो है, हमने कहा जो 8 स्टेट है उसे रखा गया है कल्चरल थीम के तौर पर, उनके लिए यहाँ पर एक जगह दी गई है। इसके बाद आप धीरे बढ़ते बढ़ते ये गेट नंबर 4 के पास पहुँच जाएंगे। गेट नंबर 4 जो है वो VIP एंट्रेंस के लिए है। इसी के साथ गेट नंबर 4 से ही आप एंट्री करेंगे तो आपको सोमनाथ टेम्पल, गरबा ऑफ गुजरात, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सब आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। इन सब के साथ गेट नंबर 3 भी है तो इस गेट नंबर 3 के ज़रिए भी आप एंट्री कर सकते हैं। और इससे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो दुरंडो विलेज एग्जिबिट है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। तो आपको कैसे कैसे जाना है ये तमाम व्यवस्था इस मैप के ज़रिए जो है वो की गई है। गेट नंबर 2, अगर आप गेट नंबर 2 से एंट्री करते हैं, ये एक इमरजेंसी एग्जिट भी है तो इसके ज़रिए भी आप अंदर आ सकते हैं। और अगर कोई अनहोनी घटना होती है, आग लगती है या कुछ लगते हैं तो आप इसके ज़रिए बाहर जा सकते हैं, इसीलिए इसे इमरजेंसी एग्जिट बताया गया है। अब यहाँ से अगर हम आते हैं तो मेन फूड कोर्ट की तरफ आ जाएंगे। मेन फूड कोर्ट में जो है खाने पीने की पूरी व्यवस्था यानी कि अलग अलग स्टेट के जो व्यंजन है वो यहाँ पर रखे गए। तो आप इस मैप के ज़रिए जो है समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और आपको कोई दिक्कत ना हो, इसकी ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो जो मैं गेट नंबर 1 की बात करती थी, ये देखिए ये है गेट नंबर 1 जिसे छत्तीसगढ़ गेट भी कहा जाता है। और यहाँ से भी जब आप एंट्री करते हैं और इसी रास्ते पर जब आप सीधे चलते हैं और सीधे चलते चलते जब आप इसी के आखिर में जब जाएंगे तो गेट नंबर 4 आपको मिलेगा। इसके तरफ में अगर मैं बात कर लूँ राइट साइड की, जो कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, इसके अलावा और भी जो बाकी स्टेट्स हैं उन्हें इस बार पहली बार आपको बता दें कि कल्चरल थीम के तौर पर जगह दी गई है। यानी ये 8 स्टेट कल्चर अपनी कल्चर को पेश करेंगे, अपने संस्कृति को पेश करेंगे और उसे यहाँ पर दिखाने के लिए इनको पहली बार सूरजकुंड मेले के अंदर में जो है वो रखा गया है। इसके साथ साथ हम जो गरबे की बात कर रहे थे तो इसी रोड पे आपको चलते चलते जो है वो गुजरात स्टेट का जो स्टॉल है वो दिख जाएगा जहाँ पर गरबे की प्रस्तुति होगी, उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनकी छटा वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तंजानिया की अगर हम बात करें जो कि पार्टनर कंट्री है तो वो भी आपको इधर इस साइड में लगा हुआ है। मेरे लेफ्ट साइड में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगी तो लेफ्ट साइड में आपको तंजानिया जो है उसकी पूरी तस्वीर, उसकी पूरी झलक देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से पूरा सूरजकुंड जो है मैं आपको दिखाऊंगी अपने कैमरे के नज़र से और आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ इसे यहाँ पर तैयार किया गया है, क्या क्या यहाँ पर जो है वो पेश किया जाएगा। इससे पहले जब हमने आपको वो दिखाया कि एक जो मंच तैयार किया गया है जहाँ पर चाहे मैथिली ठाकुर की बात कर ले, कैलाश खेर की बात कर ले या उस्ताद अहमद की हम बात कर ले, सब सूफी गाने भी यहाँ पर गाए जाएंगे। तो इन सब के ज़रिए जो है पूरी 2 से लेकर के 18 तक में एक छटा, एक खुशबू जो है वो बिखरी रहेगी सूरजकुंड मेले के अंदर में। और एक तरह से कहें तो उत्सव जैसा माहौल नज़र आ रहा है, जहाँ एक तरफ जो है राम मंदिर बना वो उत्सव देखने को मिला तो उस राम मंदिर की झलक, उस राम मंदिर की जो बातें हैं, उसके गाने हैं, उसके गीत है, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए सब यहाँ पर घूमने आए हैं, ये इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वाहनों के ज़रिए भी अगर आप नहीं चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिव्यांगजन हैं, उन सब के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सूरजकुंड मेले के प्रबंधन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से जो है व्यवस्था की गई है। स्कूली बच्चे भी पहुंच रहे हैं और स्कूली बच्चों के ज़रिए, चले हम चाहते हैं कि स्कूली बच्चे अगर कुछ बातचीत कर सके। आइए आप लोग सब, किस स्कूल से?
बीएलसी स्कूल से। बीएलसी स्कूल से आज पहले दिन आप आ रहे हैं यहाँ पर? यस मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। अच्छा, स्कूल बंक मार के आ रहे हैं या स्कूल खत्म हो चुका है? नहीं, स्कूल से आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन से। कॉम्पिटिशन के लिए आए थे यहाँ पर। कॉम्पिटिशन के लिए आए थे? क्या कॉम्पिटिशन? रंगोली का। रंगोली का कहाँ बनाया आप लोगों ने? गेट नंबर 3 में, वहाँ पर। यस मैम। पूरा कलरफुल रखा, मतलब क्या आप लोगों ने सूरजकुंड मेले को ही उसमें रंगोली में डालने की कोशिश की? यस मैम। और कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या देखने को मिलता है? सूरजकुंड मेले की खासियत क्या है? सूरजकुंड मेले की खासियत है, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी फैसिलिटीज होती हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और बहुत सी चीज़ें मिलती है जो कि हमारे कल्चर को दिखाती है कि ये ऐसा कल्चर है। अच्छा, इसके अलावे जो है सिर्फ भारत के कल्चर को नहीं, इसके अलावे अन्य देशों के कल्चर को भी दिखाया जाता है। इस बार भी बहुत सारे कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन कल्चर्स को भी देखने के लिए पहुंचे। आप बोल रहे हो क्या चीज? बाकी अदर कंट्री के भी कल्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो उस कंट्री के जो कल्चर है, उनकी शैली जो है, उनकी कला है, उसको भी देखने आप आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, अभी तो स्कूल की तरफ से आए, स्कूल के अलावे भी आएंगे मम्मी पापा के साथ? मम्मी पापा के भी साथ आएंगे। यहाँ पर क्या कुछ खास आप लोगों को खाने होने के तौर पर ये देखा जा रहा है, मतलब व्यंजन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, कुछ खाया? हाँ, बहुत अच्छे अच्छे हैं। सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे सबसे अच्छा कढ़ी चावल लगे। कढ़ी चावल लगे हैं। आपको क्या अच्छा लगा, क्या खाया? अभी तक तो मेरी रिफ्रेशमेंट लिए और कुछ मिला नहीं है, बाकी हमने वो पोटैटो स्प्रिंग खाए थे, वो काफी अच्छे लगे थे बस। अच्छा, मैं देख रही हूँ आप लोगों ने कहा रंगोली का कॉम्पिटिशन हो चुका है, अब इस साइड में कहाँ आप घूम रहे हैं? यस मैम, पूरे मतलब पूरे घूम कर देख रहे हैं, दोस्तों के लिए गिफ्ट वगैरह ले रहे हैं उन्होंने, मतलब वो इसका लिया अभी तक गिफ्ट? अभी तो मतलब की चेन वगैरह लिए हैं बस। अच्छा, कुछ सोच रखा है कि शाम को मम्मी पापा के साथ आऊंगी तो ये खरीदाऊँ? अभी तो खैर नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं। आपको कुछ अच्छा लगा यहाँ पर जो मम्मी पापा के साथ आएंगी तो खरीदवाएंगी? मम्मी पापा के संग आऊंगी जब ही खरीदूंगी। क्या खरीदवाएंगी, कुछ अच्छा लग रहा है अभी की घूम ही रही है? बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, अब उसमें से पता चलेगा क्या खरीदेंगे। चलिए, तो ये स्कूली बच्चे हैं जो फिलहाल कंपटीशन के लिए पहुंचे थे। सूरजकुंड मेले में लोक संस्कृति ये सब देखने को मिलती है, इसकी प्रस्तुतियां होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर कंपटीशन कराया जाता है, यहाँ पर उनको तमाम चीज़ें जानने देखने की का जो मौका है वो यहाँ पर मिलता है। अभी जिस तरह से बच्चों ने रंगोली बनाई है और रंगोली बना करके काफ़ी खुश नज़र आए हैं, अब वो कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल हम घूम के जा रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा के साथ वापस लौटेंगे तो हम उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदवाएंगे। तो 37वां सूरजकुंड मेला ये चल रहा है। आपको बता दें कि सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी और इसके बाद से लगातार आए दिन हर साल जो है फरवरी के महीने में ये सूरजकुंड मेला जो है वो लगाया जाता है, और जिसमें अगर हम बात करें देश के अलग अलग राज्यों की झलक तो देखने को मिलती है, लेकिन 2013 से ये अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, तो अब इसके बाद यहाँ पर अलग अलग देशों की भी झलक जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें इस बार सूरजकुंड मेले का जो पार्टनर कंट्री है वो है तंजानिया। अगर हम थीम स्टेट की बात करें तो वो गुजरात है, गुजरात की झलक देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार एक इसमें प्लस पॉइंट है, और प्लस पॉइंट है कि इसमें जोड़ा गया है थीम कल्चरल थीम स्टेट को भी, और ये कल्चरल थीम स्टेट जो है वो है नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट है उन्हें यहाँ पर रखा गया है। वो 8 स्टेट जो है, अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले, मणिपुर की बात कर ले, मेघालय की बात कर ले, तो इन सबको एक जगह दी गई है ताकि ये अपनी जो संस्कृति है, अपनी कला है, अपनी शैली है, जो हस्तशिल्प इनके यहाँ पर है, उन सबको जो है वो दुनिया के सामने, देश के सामने ला सके, और उसका एक अच्छा मौका उन्हें इस सूरजकुंड मेले के जरिए जो है वो देखने को मिल रहा है। और आइए सीधे हम आपको ले चलते हैं क्योंकि इन्हें कौन कौन सा स्टॉल दिया गया है। तो हट नंबर 224 से लेकर के 245 तक जो है इन्हें जगह दी गई है ताकि यहाँ पर ये अपनी तमाम जो इनकी खूबसूरती है, इनके स्टेट की, इनके राज्य की, उसे यहाँ पर दिखा सके। तो हम भी चाहेंगे कि MH1 न्यूज़ के कैमरे के नज़रिए से आप देखें कि कितनी खूबसूरती जो है नॉर्थ ईस्ट में बिखरी हुई है, वो तमाम तस्वीरें जो है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सूरजकुंड मेला कहीं ना कहीं एक कहें तो राज्य की झलक को पेश करता है, चाहे वो गानों के जरिए हो, चाहे वो नृत्य के जरिए हो, चाहे वहाँ के सामानों की अगर हम बात कर ले, चाहे वहाँ के रहन सहन की हम बात कर ले, किस तरह के कपड़े जो है वहाँ पर पहने जाते हैं, कैसे पहने जाते हैं, पहनावा क्या कुछ है, इन सब की अगर हम बात कर ले तो ये एक मौका नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पर मतलब सबको मिला हुआ है। हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर बातचीत करें
आपसे, आप कहाँ से आए? नागालैंड से। नागालैंड से हैं आप। अच्छा, इस बार सूरजकुंड मेले में पहली बार ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट को जो है वो जगह दी गई है, तो नागालैंड की क्या खासियत आप यहाँ पर लेकर के पहुँचे? ये हम लोग दिस इज ऑल लोकल प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स है। दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम स्पाइसेस टू एवरीथिंग, ये व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन नागालैंड। हम लोग वहाँ से प्रोडक्ट ले आ रहे हैं। हाँ, सारे स्पाइसेस ही हैं यहाँ पर। कुछ कैंडल्स भी नजर आ रहे हैं। दिस इज सोप, हैंडमेड सोप। किससे बनता है ये? वैक्स लोग यूज करते हैं, वैक्स। वी यूज द सोप प्रोडक्ट एंड देन वी मेक इट इट वेयर। दिस आर लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल कैंडल्स। सेंटेड कैंडल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैंडल, हैंडमेड सोप और इसके साथ जो आपको स्पाइसेस है वो देखने को मिल जाएंगे नागालैंड में। अच्छा, आपसे यहाँ नागालैंड में ज़्यादा स्पाइसेस खाया जाता है या नहीं? स्पाइसेस वो होता है राजा मिर्चा, भूत जोलोकिया, वो ना। हाँ, ये मिर्च अगर आप खा गए तो मान लेंगे कि आप बहुत तीखे खाने वाले में से, आपको स्पाइसेस बहुत पसंद है। भूत जोलोकिया जो है वो नागालैंड यानी कि नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही फेमस ये है। आइए, हम यहाँ पर कुछ और महिला जो है उनसे बैठी हुई। आपका नाम क्या है? अलमला। सॉरी, अलमला। अलमला, आप यहाँ पर आई हैं, पहली बार ये मौका मिला है सूरजकुंड मेले में अपने नॉर्थ ईस्ट को प्रेजेंट करने का, तो क्या आप यहाँ पर लेकर के आई हैं? सब कुछ। रुके, मैं इस साइड से आती हूँ, यहाँ पर बातें करने में थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं। ये कुछ क्लोथ्स हैं, मुझे थोड़ा इनके बारे में बताइए, इधर आइए। ये कुछ क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स के बारे में थोड़ा सा। ये तो महंगा है ना, जेंस का है। और ये ट्रेडिशनल। ये सारा हैंडमेड है, हाथों से बनाया गया है, हैंडमेड है। और ये जो क्लोथ है, ये कौन सा क्लोथ है? फैब्रिक क्या है? उलन। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ठंड पड़ती है इसलिए उलन वहाँ ज़्यादा। या इसके अलावा आप देख सकते हैं, हम इसे यहाँ पर ये नेहरू जैकेट के तौर पर कहते हैं। और ये आप जब देखिए, खूबसूरत कितना लग रहा है, कलरफुल है, रेड एंड ब्लैक और वाइट सिप के साथ जो है इसमें कलाकारी की गई है। तो ये है खूबसूरती नॉर्थ ईस्ट की। और ठंड का मौसम रहता है इसलिए उलन जो है आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि बहुत मोटा है, लेकिन जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, वो बहुत गर्म है, तो ठंड के मौसम के लिए ये बहुत ही बेहतरीन जो है। यहाँ पर आपको कुछ शॉल भी दिख जाएंगे, ये देखिए, ये शॉलों की वैरायटी है। ये शॉल अगर आप एक बार ओढ़ लें तो मुझे लगता है कि दिल्ली की सर्दी भी जो है इसमें निपट सकती है। और कुछ आपको एसेसरीज़ भी यहाँ पर दिख जाएंगे, तो एसेसरीज़, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे एसेसरीज़ जो है वो पहने जाते हैं। ये देखिए, ये पिन है, यानी कि आप जब साड़ी पहनेंगी तो आप यहाँ पर उसे अपने आँचल को इस पिन से जो है पिनअप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ स्पाइसेस तो हमने आपको दिखाया, लेकिन चलिए और आगे लेकर के चलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की और क्या खासियत है जो इस सूरजकुंड मेले में देखने को मिलेगी। तो हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ते रहें धीरे धीरे, और हम यहाँ पर खोजते हैं MH1 न्यूज़ के कैमरे की नज़र से कि आपको हम और क्या खास यहाँ पर जो है वो दिखा सकते हैं। तो मुझे ज़्यादातर यहाँ पर एसेसरीज जो है वो नज़र आ रहे हैं, हैंडमेड मुझे डॉल्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये हैंडमेड जो है वो डॉल्स यहाँ पर है। इसके साथ आप देखिए कुछ इयररिंग्स वगैरह जो है वो खास यहाँ पर दिख रहे हैं। शॉल्स आपको दिख जाएंगे। ये इनका पहनावा है, ये जो ये तो एप्रन वगैरह आपको दिख जाएंगे जब आप खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। ये कुकीज़ हैंडमेड है, सब हैंडमेड है। क्या नाम है आपका? चौंशियो। चौंशियो, चौंशियो कहाँ से हैं आप? हम नागालैंड से। एक्चुअली ये SHG ने बनाया और हम लोग एक्सपोर्ट, आई मीन हाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये फ्रूट वाइन है, ग्रेप वाइन। और ये नॉन वेज पिकल। और ये पोर्क पिकल है और श्रिम्प पिकल। और ये सब सब्जी में चलाते हैं फॉर गार्निशिंग।
तो जहाँ पर हम एक और जो शॉप पे देख रहे थे और स्टॉल पे देख रहे थे इस क्लोथ के बारे में, मुझे लग रहा है कि जॉनशान जो है ज़्यादा डिटेल में बता पाए। वो स्कॉट है और नागालैंड का, ये नागालैंड का स्टेट बर्ड हॉर्नबिल, और ये सब ये हेड केयर है, और ये स्पीयर और ताओ, ये ताओ सामने में रखा। आपने इसको आप बुलाते कहते क्या है? वेस्ट कोट है, ट्रेडिशनल वेस्ट कोट है। तो इसमें आपको पूरी नागालैंड की जो एक झलक है वो देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए पीछे में भी आपको वैसे ही सारी चीज़ें जो नागालैंड की झलक है, जिससे आप नागालैंड को पहचान सकते हैं, तो वो पहचान आपको इस वेस्ट कोट में जो है वो ट्रेडिशनल वेस्ट कोट मैं इसे कहूँगी, इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जॉनशान हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ और भी स्टॉल्स हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ जो नेशनल दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। चलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए तो इसी के साथ ये एक अच्छी पहल की गई है, जो दिव्यांगजन है परिवार में अगर कोई, तो आप उनके नाम पे एक स्टॉल लगा सकते हैं, क्योंकि तमाम देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, सैलानी यहाँ आते हैं, दर्शक यहाँ आते हैं घूमने के लिए, तो उन्हें इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। कुछ लोग खरीदते हैं, जब खरीदते हैं और ये बता सकते हैं कि इनका बुटीक कहाँ पर है, तो लोग वहाँ जाकर के भी जो ख़रीदारी है वो करते हैं। कुछ मुझे मिट्टी के भी बर्तन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और देखिए कुछ दर्शक जो यहाँ पहुँचे थे वो ख़रीदारी कर भी रहे हैं। चाहे मैं बात यहाँ पर कब की कर लूँ, तो देखिए कितने खूबसूरत तो ये कप है, आप इस कप में चाय दे सकते हैं, और मुझे लगता है वो हम कहते हैं ना, चाय जब आप मिट्टी के प्याले में पीते हैं तो वो टेस्ट ही अलग सा हो जाता है। ये कुछ एक छोटा सा बाउल टाइप का बना हुआ है, ये आप खाना रखने के लिए जो है इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए हम बातचीत भी कर लेते हैं इनसे, अभी फ़िलहाल ग्राहक इनके पास कुछ ज़्यादा ही हैं, बिज़ी हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे बातचीत करें। इसमें आप देखिए खाना बना सकते हैं, ये सारे बर्तनों को आप गैस पर चढ़ा सकते हैं। भैया इसको आप गैस पे चढ़ा सकते हैं, टूटने का डर नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, गैस पे नहीं टूटता है। हाँ जी, और इसके अलावा चूल्हे वगैरह पे अगर चढ़ा? चूल्हा, गैस, हीटर, उस पे चलता है। हाँ जी। ये किसका, मिट्टी का बना हुआ? मैम नेचुरल है बिल्कुल। फिर इसके बाद आपने इसको पकाया है? हाँ जी मैम, बनाते हैं, पकाते हैं, फिर पकाया जा। और क्या कीमत रखी है आपने? 400 का है। जो ये कप वगैरह दिख रहे हैं ये कितने? नेचुरल है, मिट्टी के हैं ये भी। क्या कीमत रखी? ये मैम 250 के 6 पीस है। 250 के 6 पीसेज है आपको, और कैसी चल रही है? अभी तो दूसरा ही दिन है खरीदारी। अभी तो अभी हल्का ही है अभी, क्योंकि सारे स्टॉल भी नहीं लगी है। हाँ जी, तो अभी सारे स्टॉल भी नहीं लगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया जब बातचीत करने के लिए। तो स्टॉल अभी लगने और भी बाकी है, लेकिन फिर भी जितने लग चुके हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शुरुआत तो हो चुकी है, बिक्री हो रही है, क्योंकि जब लोग पहुंच रहे हैं तो पता नहीं फिर दोबारा कब आना हो। तो इससे पहले तो हम आपको ये नॉर्थ ईस्ट दिखा रहे थे, जिसमें एक एरिया हमने आपको उन दिव्यांगजनों का भी दिखाया है, जिन्हें यहाँ पर जगह दी गई है कि आप यहाँ पर स्टॉल लगा सकते हैं घर में अगर कोई भी दिव्यांग है। तो एक अच्छा मैसेज सरकार की तरफ से, एक अच्छी बात जो है वो यहाँ के प्रबंधन मैनेजमेंट की तरफ से की गई है दिव्यांगजनों के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके इनकम के लिए। तो जैसे ही हम गेट नंबर 1 यानी कि छत्तीसगढ़ गेट से प्रवेश करते हैं, वो बातें जगह हमने आपको दिखाई कि आप किस तरह से मैप के ज़रिए जो है वो अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं, अलग अलग स्टॉल्स पे जा सकते हैं। एक तरफ आपको जहाँ पर तंजानिया जो कि पार्टनर कंट्री है उसका स्टॉल दिख जाएगा, यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो आप तंजानिया में चले जाएंगे, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की तस्वीरें, वहाँ की झलक जो है देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम तंजानिया के गेट से अंदर प्रवेश करें, यहाँ पर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भी दिख जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भी यहाँ पर जो है रखा गया है, इनकी भी मूर्ति जो है यहाँ पर रखी गई है, ताकि कोई गुजरात अगर आकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी को ना देख सके, ना देख पा रहा हो, तो उसे मलाल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सूरजकुंड मेले में आकर के इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसे यहाँ देख सकते हैं, एक प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ही प्रेरणा देने वाले, यानी कि उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी जो है उसे अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने जीवन में एक यूनिटी को, एक एकता को जो है वो ले करके चल सकते हैं। तो हमारे दर्शक जो है यहाँ पर आकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी देख सकते हैं। इन सब के साथ अब चलिए हम सीधे अंदर प्रवेश करते हैं तंजानिया में, कि तंजानिया कितना खूबसूरत है।
क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि तंजानिया जो है वो एक अलग तरह से वहाँ पर जीवन जो है वो जिया जाता है, एक अलग तरीके की कला संस्कृति जो है वो देखने को मिलती है। तो चलिए शुरुआत जो है बच्चों के हम डांस के साथ यानी उनके नृत्य के साथ कर लेते हैं। तो ये देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये भले ही भारत की संस्कृति जो है उसको दिखा रहे हैं लेकिन तंजानिया के अंदर में भारत के लोग जो है वो खुश भी दिख रहे हैं, यानी इस स्टॉल के अंदर में भारत के लोग नज़र आ रहे हैं पूरी तरह से खुश। देखिए बच्चे किस तरह से थिरकते हुए दिख रहे थे, हमने वो तस्वीरें दिखाई, लेकिन चलिए अब हम स्टॉल की तरफ सीधे रुक कर लेते हैं। चलिए स्टॉल की तरफ अब सीधे रुक करते हैं और स्टॉल की तरफ जाते हुए हम सबसे पहले आर्मेनिया यानी कि FC1 से FC26 तक इनको ये जो जगह है वो दी गई है। ये आर्मेनिया है और यहाँ पर भी देखिए कुछ महिलाएं जो हैं वो बैठी हैं, उनसे हम बातचीत कर ले रहते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? आर्मेनिया खाचात्रयान। आर्मेनिया क्या स्पेशलिटी है आपके, ये जो आप आज स्टॉल लगाई हैं, व्हाट इज द स्पेशलिटी? सॉरी डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? यस। What is the speciality of the all things? So means I just want to know about. Look, I can show in our embroidery. It's Armenian techniques embroidery. But this is all Armenian national dress. It's needlework. We show this in carpet ornament, all in Armenian carpets ornaments, and batik techniques in scarf. This is all handmade. All handmade. This is puppet. It's embroidery and techniques in Armenian techniques. This is looking so beautiful. Thank you very much. Okay, this is the neck piece or wall hanging? What is this? This is? It's talisman for home decor. It's for suite. It's national Armenian ornament too. So beautiful. It's looking really very good. Village peoples. We have a very good program in name Arar, Armenian people in what the embroidery these techniques. तो आपने यहाँ पर देखा सब कुछ हैंडमेड है एंड आप खूबसूरती देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से जो है ये महिला और पुरुष जो है वो बनाया गया है और ये सिर्फ धागों के जरिए जो है इसकी कलाकारी यहाँ पर की गई है। और आइए चलिए हम आगे भी बात कर लेते हैं आपको कुछ ये देखें, हम बात सामानों की करें, बात यहाँ पर जो हस्तशिल्प कर उनकी करें, लेकिन अगर हम बात यहाँ लोक नृत्य और वाद्य यंत्र की ना करें तो उसका मज़ा ही अलग हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम वो दिखाते हैं आपको, हम चाहेंगे कुछ प्रेजेंट अगर आप लोगों की तरफ से किया जा सके। यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम DRC, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो। Means all this one is the traditional of my country. Can you play for us? Yeah, we're gonna start in few minutes. We're gonna start, then we go in. After 2 minutes. Yeah, after 2 minutes we're gonna start. We're gonna make it only a small like to be ready. Then we start in few minutes. Okay, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. Preparation यहाँ पर फिलहाल चल रहा है. 2 मिनट के बाद हम वापस यहीं आते हैं. और आपको फिर वो तंजानिया आप देख सकते हैं. मतलब खूबसूरती देखिए, आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे, अलग अलग इक्विपमेंट जो है वो ये देखने को मिलेंगे और चेहरों की खुशी। परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले जो है वो आपको जो प्रैक्टिस है परफॉर्मेंस की तैयारी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर तंजानिया के जो अलग अलग इलाके हैं उनकी लोक नृत्य जो है उसको हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। अब इसके साथ चलिए हम और स्टॉल के का जो है रुख वो कर लेते हैं। ये भी एक ब्लैक कलर में जो ड्रेस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसमें भी स्टोन के जरिए जो है वो यहाँ कलाकारी की गई है।
और बहुत ही खूबसूरत ये जो ड्रेस या आउटफिट है वो यहाँ दिख रहा है। इसी के साथ आपको यहाँ पर ये तमाम जो क्रॉकरीज है वो दिख जाएंगे। तो देखिए खूबसूरत से ये क्रॉकरीज का जो पूरा सेट है वो रखा गया है। ये देखिए ये चाय बिल्कुल शाही अंदाज लगता होगा आपको देख करके, क्योंकि राजघरानों में इसी तरह से बड़े बड़े बट वो गोल्डन कलर के हुआ करते थे, ये थोड़े कलरफुल दिख रहे हैं। तो इस तरह से कप और चाय जो है उसके लिए आप कप्स और पूरा सेट जो है वो यहाँ तैयार किया गया है। आइए और भी आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। कुछ कपड़े के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, हम चाहेंगे कि वो कपड़े के स्टॉल भी जो हैं वो हम यहाँ पर दिखाएं। आपको बैग भी दिख जाएंगे, सी दिस इज द बैग। चलिए हम बातचीत कर लेते हैं। व्हाट इज योर गुड नेम? आई एम अली फ्रॉम जॉर्डन। फ्रॉम जोधा? यस from Jodha. And what material you have used in this and what is the quality? Can you please tell me about this? Handmade work to me in bag, small in bag. You made this? Yes. This is handmade bag and she made this and this is looking really very beautiful. Can you please tell me about some outfit? Which cloth, which fabric you have used? Okay, this one. Okay, just tell. This is from jacket, because in handmade and this in machine always. This is the flower. No, and this no in English. एम्ब्रॉयडरी जो है वो इनके तरफ से किया गया है, ये भी हैंडमेड है। फ्लावर्स एंड जो लीव्स वगैरह है वो यहाँ पर देखें तो ब्लैक पर ये पिंक एंड ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आप अपने जीन्स और टॉप के साथ इसे कैरी कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको फैशन अगर कुछ चाहिए, कुछ अलग सा चाहिए, कि इंडिया में तो हमने ऐसी चीज़ें बहुत पहन ली है, अब हम थोड़ा सा अगर दूसरे कंट्रीज़ का भी पहनना चाहें तो आप इन सबको जो है वो ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। और चलिए हम आगे और भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास है। वैसे संभव नहीं है कि एक बार से सब कुछ दिखाया जा सके, लेकिन फिर भी कुछ लग रहा है जो मेन है ये समथिंग लुकिंग अच्छा लग रहा है बहुत। वो दिखा दें, ये सी क्राउन मुझे लग रहा है ये बना हुआ है। व्हाट्स योर नेम? माय सेल्फ इज डॉक्टर मधु। डॉक्टर मधु, डॉक्टर मधु व्हाट्स हर नेम? Her name is, she's from Belarus, Minsk. Her name is Ala. Okay, and she's from Belarus. From Belarus. Okay, just tell me about this project. What is this? It's a product. Yeah, see, this product is from like their bamboo tree. Okay. So from it, they used to make this. It's very, very thin work. You know, you can see, as she told me that, what the crown she's wearing, it took 6 months to made. Oh my god, so it's very difficult. It is looking really very beautiful, very very tiny work, you can see that. Absolutely. And see the here also, you can see the very tiny work. Yeah. If you can see. So they are just keeping their culture and tradition, so they are sewing. थैंक यू सो मच फॉर ट्रांसलेटिंग ऑल द थिंग्स, अदरवाइज बहुत टफ था इनकी बातों को समझना। बट मैं ये भी आपको दिखाना चाहूँगी, ये डॉल जो है ये भी बैम्बू ट्री के से बनी हुई, बैम्बू से बना हुआ है। और ये भी आप देखिए कितना बारीकी काम इस डॉल में जो है वो किया गया है। नो डाउट हैंडमेड है तो कॉस्ट भी यहाँ पर ज़्यादा होगा, बट ऐसा देख के लग रहा है कि इसका कॉस्ट तो कुछ भी हो बस लेना चाहिए, क्योंकि ये इतना खूबसूरत लग रहा है। तो तकरीबन 2000 रुपीज़ है इसका कॉस्ट, और जो इन्होंने क्राउन पहना है वो 6 मंथ लगे हैं इसे बनाने में। एंड शी इज़ लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस, मीन्स लवली। एंड इसके साथ आप फ्रूट्स वगैरह रखते हैं या अदर कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मतलब हम अपने घर में भी बहुत सारा रखते हैं, बट ये जो बैम्बू का एक फाइन वर्क है, एक चाइनीज का जो वर्क है, एक बारीक काम जो यहाँ पर किया गया है, उससे इसकी खूबसूरती जो है वो और ज़्यादा निखर करके आ रही है। और चलिए हम और आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर बांग्लादेश का देखिए ये क्लोथ दिख जाएगा।
यहाँ पा सकते हैं। बांग्लादेश का अगर क्लोथ आप लेना चाहें, क्योंकि यहाँ की साड़ी बहुत फेमस होती है, जिसको साड़ी पहनने का बहुत शौक है वो यहाँ साड़ी आकर के ले सकते हैं। चलिए हम उधर की तरफ चलते हैं थोड़ा। हर जगह आपको ढोल नगाड़े तो दिख ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे, तो ढोल नगाड़ों के बीच में आप ये शॉपिंग कर रहे हैं तो थकान का एहसास नहीं होगा। और इस बीच में अगर आपको भूख लग जाती है तो आप फूड कोर्ट जा सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जो व्यंजन है वो मिलेंगे। ये देखिए ढोल नगाड़े जो मेरे हैं चारों तरफ यहाँ पर वो चल रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ हम यहाँ पर और भी शूज़ के दुकान हैं, आप देख सकते हैं जूते जो हैं, जूतियाँ हैं, ये सब यहाँ पर मिल रही हैं। कपड़े हैं, आपको बहुत खूबसूरत सी कलाकारी भी जो है आगे चल करके देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सूरजकुंड मेले में आ करके मज़ा ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि एक जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है, एक जगह पे आप महोत्सव मना रहे हैं और एक ही जगह पे ये उत्सव मन रहा है। चाहे आप कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह को देख रहे हैं अलग अलग स्टेट के, चाहे हमने आपको दिखाया पंजाब का, तंजानिया के भी जो अलग अलग एरिया के लोग हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन राजेश जोशी के साथ किरण सिंह, सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद। तो तंजानिया से हम बाहर निकल करके अब सीधे जो है गुजरात जाने वाले हैं। ये द्वार है और द्वार से ही आप समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ से अब गुजरात की जो शुरुआत है वो हो जाएगी, यानी गुजरात के जो अलग अलग स्टॉल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और द्वार से ही आप यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला को जो है वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी जो तैयारियाँ हैं, कुछ स्टॉल्स जो है लग ही रहे हैं, उन सब का भी लगना बाकी है, लेकिन बहुत सारे स्टॉल्स लग भी चुके हैं, इसलिए मिस नहीं करेंगे हम सारे स्टॉल्स को जो है लगभग कवर करेंगे। और पूरे गुजरात जो कि थीम स्टेट है उसे एक नाम दिया गया है, वो है खुशबू गुजरात की। तो खुशबू गुजरात की और इसे नाम देते हुए यानी कि आपको यहाँ पर गुजरात की खुशबू जो है वो मिलेगी। वहाँ की जो मैं लगातार बात कर रही हूँ, शिल्प और कला को जो है आप देख सकेंगे। तो ये देखिए कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर ये कीरिंग्स वगैरह जो है वो बनाए गए हैं। अगर आप कहीं पर हैंगिंग के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इन सब के साथ आप अपने घर की खूबसूरती को जो है बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे लोग देखिए ख़रीदारी भी यहाँ पर कर रहे हैं ये स्टॉल लगाने का। और ये कुछ इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपको यहाँ दूरबीन नज़र आ जाएगी। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा लोग आए हुए हैं, आपको दूरबीन के साथ जो घड़ियां हैं वो भी नज़र आ जाएंगी। हम चाहेंगे थोड़ा सा अगर आप हमें जगह दे दें, शुक्रिया। ये देखिए ये टाइमर जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, यानी जब तक ये सैंड जो है नीचे चला नहीं जाता तब तक वो जो है टाइमिंग पूरी नहीं होती थी, फिर इसको पलटा जाता था और फिर इसके बाद यहाँ से टाइमिंग शुरू हो जाती थी। तो इसको भी रखा गया है क्योंकि अब लोग ना थोड़ी पुरानी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये देखिए ये घड़ी, ये सब जो है अब कहाँ उतना इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इन घड़ियों का ज़माना भी आ रहा है और इन्हीं सबको अब यहाँ पर जो है स्टॉल में रखा गया है। ये देखिए खूबसूरती देखिए, ये आप देख सकते हैं गोल्डन में इसको दिया गया है। इसी के साथ आपको ग्लोब, दूरबीन, फ़ोन जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था वो फ़ोन भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसी के साथ जो गाने के लिए पहले इस्तेमाल हुआ करते थे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पुरानी झलक जो है, और उसे ख़रीदने के लिए देखिए बाकी स्टॉल से ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही स्टॉल पे वक्त अगर बहुत ज़्यादा लगे तो हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ये गुजरात के जो ट्रेडिशनल सोफ़े होते हैं, ये सोफ़ा जो है वो यहाँ पर रखा गया है कि आपको गुजरात जाके चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ का ट्रेडिशनल चीज़ जो है वो यहीं पर मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर दाम पूछते हुए ख़रीदने की एक जुगत में लगे हैं। इन सब के साथ कुछ बच्चे जो थोड़े थक गए हैं वो बच्चे इन सोफ़ों पर आराम भी करते हुए जो है वो देखे जा रहे हैं। ये देखिए जो थकान हो गई है मेले को घूमते घूमते, तो ये थोड़ी अपनी थकान को दूर करते हुए। इसके साथ ही आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ सेल, यानी कि सारा सामान 100 रुपीज़ में है। भैया सारा सामान 100 में है, सब 100 रुपये में, ये सारे जो है 100 रुपये में मिल जाएंगे। अच्छा तो ये हाँ, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रमिला राठी। कहाँ से हैं?
मैं वैसे तो राजस्थान की हूँ लेकिन फिलहाल मैं नरेला दिल्ली से आई हूँ। तो कैसा लग रहा है, हर साल आती है? नहीं, ये मेरा पहला ही अनुभव है और इतना शानदार अद्भुत अविस्मरणीय मेरा अनुभव रहा है। मतलब हर देश की, हर प्रांत की और बाहर की भी खुशबू, एक सौंदी महक हम अपने यहाँ देख सकते हैं। एक सीमित क्षेत्र में हम अपने पूरे भारत को देख सकते हैं। आपके शब्द इतने अच्छे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ की बात जो है वो आपके शब्दों में आ गई है, या फिर आप पेशे से टीचर और साहित्यकार हैं? नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक अनाउंसर हूँ और काफी सोशल हूँ। बिल्कुल, इसीलिए आपके शब्द जो है वो सूरजकुंड मेले को पूरी तरह से दिखा रहे हैं। आपने कुछ खरीदारी की है? यस, मैंने यहाँ कश्मीर का, गुजरात का और काफी कुछ जो शो की आइटम है वो परचेज किए हैं, जो मुझे कहीं नहीं मिल सकते, जिनके लिए हमारी तलाश जारी रहती है। यस मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ हम चलिए और भी दिखाते हैं, कहाँ के हैं सर? मैं ओरिजिनली तो कलकत्ता का हूँ, बट अभी फरीदाबाद में ही रहता हूँ, मेरा घर इधर ही है। व्हाट्स योर गुड? सूरत मुखर्जी। सूरत मुखर्जी, आप यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए, कैसा लग रहा है सूरजकुंड मेले? बढ़िया, मतलब मैं तो 20 साल से आता हूँ। 20 साल से आ रहा है? क्योंकि यहाँ रहता हूँ ना मैं तो 20 साल। कुछ इस बार खास नजर आ रहा है, लग रहा है? हाँ, बढ़िया रेंज, तो क्योंकि पिछले 2 साल में बॉम्बे में था तो आ नहीं पाया था, बट अभी बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और दुकान का जो रेंज है बहुत बढ़िया बन चुका है अभी। मतलब सालों साल धीरे धीरे और इम्प्रूव होता जा रहा है, फैसिलिटी, सिक्योरिटी, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, बहुत बढ़िया। तो हमने कोशिश की है कि हम आपको पूरा सूरजकुंड का जो मेला है वो यहाँ पर दिखा सके अपने कैमरे के ज़रिए, और कोशिश हमारी थोड़ी बहुत तो कामयाब ज़रूर हुई होगी। लेकिन इसी के साथ में एक बात तो यहाँ बताना भूल गई कि सेल्फी पॉइंट के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। चाहे मैं बात यहाँ की कर लूँ कि इसे आप एज ए सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, या फिर मैं इस सूरजमुखी की बात कर लूँ, यहाँ पर भी आप सेल्फी पॉइंट की तरह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर मेरी तरफ राइट साइड अगर कैमरा किया जाए तो वहाँ पर भी देख सकते हैं कि शेर बना है, गैंडे बने हैं, तो यहाँ पर भी आप सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं। और कुछ ऐसा ही जो है यहाँ दिख भी रहा है कि एक फैमिली आई हुई है और वो फोटो खींच भी रहे हैं। कुछ ऐसे ही और भी बहुत सारे सेल्फी पॉइंट जो हैं, चाहे वो मैं मोर की बात कर लूँ या फिर मैं यहाँ पर बुलकाट की बात कर लूँ, तो ये सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। तो महिलाएं, लड़कियां निराश नहीं बिल्कुल होने वाली हैं कि उनको कोई जगह नहीं मिली, अच्छी जगह नहीं थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत खूबसूरत जगह जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन इसी के साथ चलिए सुरक्षा पे भी हम बात कर लेते हैं। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, 550 के करीब जो CCTV कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इन सबके साथ साथ ड्रोन के जरिए भी जो है सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नज़र रखी जा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी आज की इस खास पेशकश जो कि सूरजकुंड मेले से आप देख रहे थे उसमें फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MHY News के साथ।